सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सबको भी ऐसे फ्री में इमोट्स मिल सकते हैं। हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्री इमोट्स दिलाने वाला हूँ दोस्तों। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्री में इमोट्स दिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दोगे। सो गाइस, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन को ऑल पे कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी गेमिंग कंटेंट्स लाते रहता हूँ। तो पहला जो इमोट है वो आपको रॉयल पास में मिलता है, यानी कि जिन बंदों ने रॉयल पास परचेस किया है, अगर वो बंदे 15th लेवल क्रॉस करते हैं तो उनको यहाँ पे फ्री में यह वाला इमोट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास रॉयल पास नहीं भी है दोस्तों, तो आपके लिए भी मैं आगे ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो जिन बंदों ने रॉयल पास परचेस किया है उनको 15th लेवल पे ये वाला इमोट देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं जिन बंदों ने रॉयल पास परचेस नहीं किया है। तो जिन बंदों ने रॉयल पास परचेस नहीं किया है उनको आ जाना है लॉबी में, और लॉबी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इन्वेंट्री पर टैप कर देना है। जब आप इस पर टैप करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहीं पे लेफ्ट साइड में आपको ये वाला जो आइकन दिख रहा है ना कैरेक्टर वाला, इस पर टैप कर देना है। और इस पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला विक्टर वाला जो कैरेक्टर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। और जब इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहीं पर नीचे 3 नंबर पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है इमोट वाला, तो इस इमोट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। इस पर टैप करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको 3 इमोट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से जो पहला वाला इमोट है इसका नाम है आई विल हैंडल इट। तो ये जो पहला इमोट है दोस्तों, ये इमोट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा जब आप यह वाला कैरेक्टर यूज करके लेवल 6 क्रॉस करोगे, तो आपको यह वाला इमोट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों फ्री इमोट की सेकेंड ट्रिक। और अब जो अगली ट्रिक है दोस्तों, ये वाली जो ट्रिक है ये BGMI खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो इमोट है ये BGMI खुद प्रोवाइड करता है और ये सभी बंदों को मिल जाता है फ्री में। लेकिन काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है ये इमोट के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी एक फ्रेंड को इन्वाइट करना है, उसके बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है मैसेज वाला, इस पर टैप करना है। और इस पर टैप करने के बाद दोस्तों ये जो मैसेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा आई एम लुकिंग गुड टूडे, जब आप इस वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपका बंदा फ्री में एक इमोट करेगा, यानी कि ये जो इमोट है ये BGMI की तरफ से ऑलरेडी फ्री में प्रोवाइड किया गया है। और अब जो अगला इमोट है दोस्तों, उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको सेम मैसेज वाला आइकन पर टैप करना है, और उस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, चेक आउट माई आउटफिट। तो दोस्तों जब आप इस पर टैप करोगे तो आपका बंदा फिर से एक नया इमोट परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ये 4 इमोट्स परफॉर्म कर सकते हो। और अब जो आखिरी इमोट है दोस्तों, उसको बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, वैसे भी सब्सक्राइब का बटन फ्री होता है तो दबा दिया करो। और फ्री इमोट्स को लेकर मैंने अपने चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें से आपको और भी नए इमोट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब जो लास्ट वाला इमोट है इसको कलेक्ट करने के लिए आपको 8 डेज के लिए लॉग आउट रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो अगला इमोट है इसको कलेक्ट करने के लिए आपको 8 दिनों के लिए लॉग आउट रहना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने BGMI ID को 8 दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा, जिसके बाद आपके BGMI ID में ये वाला इमोट मिल जाएगा। और ये इमोट आप जितनी बार चाहें उतनी बार कलेक्ट कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको 8 डेज के लिए अपने BGMI ID को लॉग आउट रखना पड़ेगा, यानी कि अपने BGMI ID को 8 दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में, तब